सफाई व्यवस्था पर यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने साफ और स्वच्छ सिटी करने का नारा दिया है, हमने साफ सिटी सेफ सिटी का नारा भी दिया था। 13 क्लस्टर हमारी सरकार ने बनाए हैं, हमने कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने का भी काम किया है। हमने जब ये मंत्रालय संभाला था तो हमने एक नारा दिया था, साफ सिटी सेफ सिटी, और एक दूसरा नारा दिया था पार्किंग की मार्किंग। तो मैं शुरू करता हूँ। हमने नारा दिया साफ सिटी सेफ सिटी, शहर सुंदर हो, स्वस्थ हो। फिर हमने पार्किंग का, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। साफ सिटी सेफ सिटी में हमने बहुत सारे काम किए, सफाई का तो किया ही किया। उसमें हमने पहले जो सरकारें थीं उन्होंने कभी भी जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का काम था उसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हमारी सरकार ने आते ही 13 क्लस्टर बनाए और 13 क्लस्टर में सबसे पहला क्लस्टर बना सोनीपत का, सोनीपत पानीपत एंड अराउंड। वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसका सेग्रीगेशन करके और जो RDF बचता था उसका निस्तारण, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, ये चारों स्टेप सोनीपत में हमारे चालू हैं। ये चारों स्टेप गुड़गांव में भी चालू होने वाले हैं।